कराची में आतंकवादी हमले के बाद कोई ईद की सेलिब्रेशन नहीं होगी, पाकिस्तान को दो कड़ा जवाब। एंड ऑल दिस जिहाद इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डिस्ट्रॉयड, इंडिया हैज द टेक्नोलॉजी टू डू दैट, मेक इट वेरी हैवी। जी हां दोस्तों, भारत सहित पूरी दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटी आज ईद का त्योहार मना रही है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ इलाके के अंदर ईद की सेलिब्रेशन नहीं होगी। दोस्तों, भारत के पुंछ इलाके के अंदर एक आतंकवादी हमला होता है और उस हमले के अंदर राष्ट्रीय राइफल के 5 जवान शहीद हो जाते हैं, और ये जवान किसी का बुरा करने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि ये जवान ईद की पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए पुंछ इलाके के संगियोटे गांव के अंदर जा रहे थे। दोस्तों, इन आर्मी के ट्रकों के अंदर फ्रूट और वेजिटेबल थे, और बेसिकली एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जानी थी, और इस पार्टी के अंदर 3,000 से 4,000 गांव वालों को न्योता भी दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये ट्रक अपने हेडक्वार्टर से फ्रूट और सारी चीज़ें लेकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा था, तो गंतव्य स्थान से 6 से 7 किलोमीटर दूर इनके ऊपर आतंकवादी हमला हो जाता है शाम को 3 बजे, और उसके बाद 5 जवानों के शहीद होने की खबर निकलकर सामने आती है। इस घटना के बाद सारे जो पुंछ के वो गांव वाले थे जो इस पार्टी के अंदर आने वाले थे, वो काफ़ी सहमे हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि अब हम कोई भी ईद नहीं मनाएंगे, किस बात की ईद, हमारे जवान शहीद हो गए। दोस्तों, अब उन्होंने कहा है कि हम इस मौके पर हम सिर्फ नमाज अदा करेंगे, लेकिन ईद की सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या होता है, 6 से 7 किलोमीटर दूर जब ट्रक के ऊपर हमला होता है तो ट्रक के अंदर भीषण आग लग जाती है, जिस आग के अंदर 5 जवान बिल्कुल जल जाते हैं, और इसी के साथ एक जवान बिल्कुल एक गंभीर अवस्था में घायल होता है। और गाँव वाले जब पहुँचते हैं तो फ्रूट का जो सारा मलबा है वो भी पड़ा हुआ था, और शहीद जवानों के जो शव हैं वो भी पड़े हुए थे। पुलवामा टाइप का ये हमला हुआ है, और इस हमले के अंदर जो एक गांव वाले थे वो भी यहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए आते थे, लेकिन आर्मी ने वो इलाका सील कर लिया, तो वो एक घटना देखने को मिली, और गांव वालों ने कहा कि हम ईद की सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। दोस्तों, इस पावन त्यौहार को जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हरकत करके एक बदनाम करने की कोशिश की है, इसका जवाब उन्हें कुछ दिनों बाद जरूर मिलेगा। और दोस्तों, जवाब मिलना भी चाहिए, क्योंकि आज अगर भारत की सेना चुप रह जाएगी तो ये इन आतंकवादियों के हौसले बढ़ जाएंगे, और ये इससे भी बड़ा आतंकवादी हमला कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद तो यही है कि ये एक जो हमला हुआ है उसके आतंकवादियों को भी ठोका जाए, और इसी के साथ इनके जो आका पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं उनको भी ठोका जाए। दोस्तों, आपको याद होगा, इनके आतंकवादी अपने देश के अंदर बैठकर एक रैलियां कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत की सेना को सीधी चुनौती दे रहे हैं। इस बारे में किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार इनको एकदम से गार्ड करती आ रही है, और अब समय आ गया है पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादियों के आकाओं को ठोकने का। और दोस्तों, जरूर हो या ना हो, आने वाले समय में एक बड़ी घटना आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, हमारी सेना चुप बैठने वाली नहीं है, जरूर कुछ बड़ा एक्शन होगा। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी शीशपाल वैद जी कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब भारत की सेना को एक पाकिस्तान को हैवी प्राइस पे करने के लिए मजबूर करना होगा, और इसी के साथ पाकिस्तान को भी पता लगे कि अगर वो इस तरीके की घटना करता है, ये जिहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, तो इसकी जो प्राइस है इतनी हैवी है कि आप सपने में भी उस प्राइस को पे नहीं कर सकोगे।